गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बहुत सारे वीडियो में हम लोगों ने आईयूपीएसी नेम लिखना सीखा, तो आइए आज हम लोग आईयूपीएसी नेम से रिलेटिव एक प्रैक्टिस सेट करके देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं। इनके आईयूपीएसी नेम पहले आपको लिखना है और फिर सभी के एक एक करके हम बताएंगे, उनसे आपको मैच करना है। क्लियर? तो ठीक ठीक से आप इनको देख लें और अपनी नोटबुक पर नोट कर लें और सभी के आईयूपीएसी नेम आप लिखें। क्योंकि आपको बहुत सारा समय लगेगा और इतने समय तक हम वेट नहीं करेंगे, तो आप वीडियो को पुश कर लें और सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नोट कर लें। नोट करने के बाद उन सभी के आप आईयूपीएसी नेम लिखें और फिर आप हमारे साथ मैच करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपके 10 में से कितने सही हैं, तो आप नोट करें। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी के आईयूपीएसी नेम। पहला आप देखें तो बाय रूट में कितने कार्बन है? 4 है, लेकिन दूसरे पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन वहीं से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। काउंटिंग वहीं से की जाती है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ए फोर्थ कार्बन। तो दूसरे पर क्या है? ऑल है, तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ब्यूटेन 2-ऑल। क्लियर? ब्यूटेन 2-ऑल। सेकंड देखें, इसमें कितने कार्बन हैं? 1, 2, 3 हैं, और कहीं से भी देखें आप, सेकंड पर एक क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? टू क्लोरो प्रोपेन। क्लियर? 2-क्लोरो-प्रोपेन। नेक्स्ट थर्ड, इसमें आप देखें कितने कार्बन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, और सेकंड कार्बन पर क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होगा पेंट। दूसरे पर क्या है? ईन है, तो पेंट 2-ईन। क्लियर? आगे देखें, नेक्स्ट चौथा, इसमें आप देखें यहां पर क्या है, तो इसमें आप देखें तो कितने कार्बन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? 6 कार्बन हैं। काउंटिंग कहां से करेंगे आप? यहां दूसरे पर मेथिल है, यहां भी दूसरे पर मेथिल है, ठीक है? तो इसमें काउंटिंग की जाती है। कैसे काउंटिंग करते हैं? इस साइड से पहले देख लें किस किस नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है, तो दूसरे पर है तो 2+, चौथे पर है 4, और पांचवें पर है 5। टोटल कितना हुआ? 11। यहां से देखें आप,
किस पर है? दूसरे पर है, तीसरे पर है और पांचवें पर है। काउंटिंग कितनी हुई? टोटल कितना हुआ? 10। तो जहां से टोटल कम आता है नंबरिंग वहीं से की जाती है। क्लियर? तो आप देखें, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। क्लियर? तो किस किस पर मेथिल है? दूसरे पर है, तीसरे पर है, पांचवे पर है। तो कहां क्या लिखेंगे आप? 2, 3, 5। क्लियर? 2, 3, 5। टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 3 है ना। तो ट्राई क्या है? मेथिल है 2 पर 3 पर 5 पर, टोटल 3। तो ट्राई मेथिल हेक्सेन, हेक्सेन। क्लियर? क्या हो गया? 2 पर 1, 3 पर 1, 5 पर 1, टोटल कितने? 3। क्या है? मेथिल है और बर्ड रूट में कितने कार्बन है? 6। तो 2, 3, 5 ट्राई मेथिल हेक्सेन। क्लियर? आइए देखें फिफ्थ नंबर पर। तो फिफ्थ में देखें तो पहले पर यहां CHO है। क्लियर? देखें आप CHO, और यहां तो काउंटिंग तो यहीं से करेंगे, एल्डिहाइड पहले ही पर है, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? तो तीसरे पर मेथिल है और चौथे पर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, लेकिन सीनियर फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति में एल्डिहाइड सीनियर है, एल्कोहल जूनियर है। तो एल्कोहल प्रीफिक्स के रूप में आएगा, हाइड्रोक्सी के रूप में आएगा। अब यहां पर दो प्रीफिक्स हैं, मेथिल है और एल्कोहल है। तो आप अल्फाबेट के हिसाब से देख लें तो पहले H आता है, बाद में M आता है। तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे हम लोग, 4-hydroxy-3-methyl, और 5 कार्बन है तो पेंटेनल। पेंटेनल। क्लियर? 4-hydroxy-3-methyl पेंटेनल। अब आइए देखें सिक्स नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिए गए हैं जिनके IUPAC नेम आपसे पूछे जा रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। आइए देखते हैं सिक्स नंबर, यहां पर क्या है? तो यहां पर आप देखेंगे तो एल्कोहल दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? कहां कहां एल्कोहल है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां से भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो काउंटिंग यहीं से होगी क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप अधिक है। ठीक है? तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो नंबरिंग कर लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। क्लियर? तो 2 पर मेथिल है, 2 पर 1 मेथिल ए जुड़ा हुआ है, 1 ए जुड़ा हुआ है, तो 2, 2। क्लियर? 2 पर 1, 2 पर 1, टोटल कितने हैं? 2 हैं। तो डाई मेथिल, 2, 2 डाई मेथिल, 2 पर 1, 2 पर 1, टोटल 2 क्या है? मेथिल है, 2, 2 डाई मेथिल। अब देखिए आप, ऑल कितने हैं?
तो तीसरे पर है और चौथे पर है, तो हेक्सेन 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 में तीसरे पर एक, चौथे पर एक, टोटल कितने दो क्या है ऑल है। बताया था कि यदि जो वर्ड रूट है उसके बाद सेकेंडरी सफेक्स में व्यंजन आता है तो हेक्सेन एलकेन का ई लिखा जाता है, तो हेक्सेन तीसरे पर चौथे पर टोटल दो डाई ऑल, टू टू डाइमेथिल हेक्सेन थ्री फोर डाई ऑल। इसका आईपीसी नेम देखें, यहां पर आप देखेंगे तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा एल्डिहाइड, तो काउंटिंग यहीं से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्लियर। एल्कोहल अब प्रीफिक्स के रूप में आएगा हाइड्रोक्सी के रूप में, तो तीसरे पर मेथिल भी है, तीसरे पर हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी पहले लिखा जाएगा, एच पहले आता है, तो थ्री हाइड्रोक्सी और थ्री पर ही है मेथिल, कार्बन कितने हैं एक दो तीन चार, तो ब्यूटेनल ब्यूटेनल, क्लियर। आठवां बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखें यहां अगर इसको आप खोलें तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा सी एच, और क्लियर किए दे रहे सी एच थ्री, क्लियर। यहां एक कार्बन है तो सी एच थ्री का होल थ्राइस है, एक सी एच थ्री यहां आएगा, एक सी एच थ्री यहां आएगा, और एक क्या जुड़ा हुआ है आपका ओ एच है, क्लियर। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन आप देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन वन टू थ्री या वन टू थ्री, कहीं से भी आप देख लें, सेकंड पर एल्कोहल है तो वन टू थ्री, क्लियर। तो क्या होगा, तीसरे पर मेथिल है, सॉरी दूसरे पर मेथिल है तो टू मेथिल, क्लियर, और प्रोपेन, प्रोपेन में दूसरे पर क्या है ऑल है, क्लियर। टू मेथिल, टू पर मेथिल है, क्लियर, वन टू थ्री, तो टू पर मेथिल है तो टू मेथिल, तीन कार्बन की बर्ड रूट है तो प्रोपेन, और दूसरे पर प्रोपेन में दूसरे पर क्या है एक एल्कोहल है तो टू ऑल, टू मेथिल प्रोपेन टू ऑल। इसका देखें आप, इसका आईयूपीएसी नेम, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे आप, बहुत सारे लोगों ने किया होगा वन टू थ्री फोर फाइव, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्लियर। तो छह कार्बन की बर्ड रूट है, लेकिन काउंटिंग कहां से करेंगे, तो आप देखें दूसरे पर एल्कोहल है तो यहां से काउंटिंग होगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, क्लियर। तो अब देखें कहां कहां क्या है, तो दूसरे पर एल्कोहल है और तीसरे पर सी एच थ्री मेथिल है, क्लियर। तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, थ्री मेथिल, एच टू नहीं है, एक कार्बन की काउंटिंग है सेकेंड कार्बन, ठीक है, तो थ्री मेथिल हेक्सेन टू ऑल, क्लियर, थ्री मेथिल हेक्सेन टू ऑल लास्ट। तो आप देख रहे हैं ईथर है, तो ईथर में छोटे वाला एल के साथ ऑक्सी आता है तो एक कार्बन है, एक छोटा पोर्शन है तो इसमें मेथ, और छोटे वाले के साथ आता है ऑक्सी मिथॉक्सी,
और बड़ा वाला पार्ट जो होता है, बड़ा वाला एल्किल ग्रुप जो होता है वो एल्किन के रूप में जाता है, दो कार्बन है तो मिथॉक्सी एथेन। क्लियर? तो निश्चित ही सारे आपको समझ में आए होंगे। अब आपको बताना है कमेंट करके कि आपके 10 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिए गए थे उसमें से आपके कितने आईयूपीएसी नेम सही हैं। निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा। यदि आप चाहेंगे तो ऐसा एक और प्रैक्टिस सेट का वीडियो आईयूपीएसी नेम का आपको डाल देंगे। निश्चित तौर पर आईयूपीएसी नेम आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।